Philosophy, chapter 3, Who am I? What am I? We are starting with Sankhya Darshana and Advaita Vedanta. So, Sankhya Darshana kya hai? So, according to Sankhya, self means soul. जैसे कि क्वेश्चन में हर टाइम जैसे कि चैप्टर में हर टाइम सवाल किया गया है कि हम क्या है, हमारा सेल्फ क्या है, तो उसका जो जवाब है सांख्या दर्शना के लिए, तो सांख्या दर्शना ये कहता है कि हमारा जो सेल्फ है वो हमारा सोल है. हमारा सेल्फ मीन्स हमारा सोल, हमारी आत्मा. जो हमारे बॉडी से, हमारे माइंड से कंप्लीटली डिफरेंट है, अलग है. तो सांख्या दर्शन में दो चीजें याद रखनी है आपको, जो के है पुरुषा और प्राकृति. तो जो पुरुषा है वो हमारा सेल्फ है, मतलब जो हमारी आत्मा जो है उसको पुरुषा है, ठीक है. फिर जो हमारा माइंड है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, जो हमारी बॉडी है, जो वो प्राकृति है, उसे प्राकृति है, ठीक है. फिर हमारे ह्यूमन बींग्स में जर्नली पुरुषा और प्राकृति दोनों होता है ना. हमारी बॉडी है जो कि बॉडी माइंड है वो प्राकृति है, और हम खुद जो हमारा सेल्फ है, जो हमारी आत्मा है, हमारा सोल है, वो पुरुषा है. सांख्य दर्शन का ये कहना है कि हमारा जो सेल्फ है, जो हमारा सोल है, वो भले ही एक वो डूअर और एंजॉयर और नोअर नहीं, ठीक है. हमारा जो सेल्फ है वही सब कुछ नहीं करता, हमारा जो सोल है वही सब कुछ नहीं करता, कि वही सब एंजॉय नहीं करते, वही उनको सब कुछ पता नहीं, ठीक है. अगर सपोज लाइक हम वो कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आपने पिज्जा खा लिया या आपने कुछ अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो खा लिया, तो वो आपने अपने बॉडी के लिए खाया है, जो जिससे आपको अच्छा लग रहा है. तो अभी प्राकृति क्या है? प्राकृति आपको मैंने बताया कि प्राकृति बॉडी माइंड इंटेलेक्चुअल, जो हमारा माइंड है, जो हमारी बॉडी है, हमारा दिमाग है, वो प्राकृति है सांख्या दर्शना के साथ. तो जो भी हमें सांख्या, जो भी हमें प्राकृति के, प्रकृति से जो भी हमें पता चलता है, जैसे कि हमें जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमें हमारा बॉडी दिखाई देता है, जो हमारा माइंड दिखाई देता है, ठीक है, दैट इज ऑल एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. वो सब एक टाइप का नॉलेज है. बट हमारी जो खुद जो प्रकृति है वो कभी एक ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सबका जो सेल्फ है, सबका जो सोल है, वो डिफरेंट है, सबका अलग अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सब अलग है, ठीक है. और जो हमारा सोल है वो हमारे बॉडी के साथ खत्म नहीं होता. हमारी बॉडी कुछ साल में मर जाएगी, हम खत्म हो जाएगी हमारी बॉडी, बट हमारा जो सोल है वो कभी खत्म नहीं होता. तो सांख्य दर्शन का ये कहना है कि जैसे हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, वैसे हमारा सोल जो है वो कभी खत्म नहीं होता. हम इमॉर्टल है, हमारा सोल हमेशा वही रहता है, हमारा सोल कभी बदलता नहीं है, ना ही वो कभी खत्म हो सकता है. दैट इज आवर प्योर कॉन्शियसनेस, और वही हम है. तो सांख्य दर्शन का ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु एम आई व्हाट एम आई, उसके लिए, और व्हाट व्हाट इज सेल्फ, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सांख्य दर्शन ये मानते हैं कि वी आर द सोल, कि हम सोल है जो कभी खत्म नहीं होता. तो अभी अद्वैता वेदांता, तो जैसे कि
जैन दर्शन और सांख्य दर्शन मटीरियलिस्टिक नहीं है, वो सोल में बिलीव करते हैं। तो वैसे ही जो अद्वैता वेदांता है वो आइडियलिस्ट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अद्वैता वेदांता जो है वो आइडियलिस्ट। तो अद्वैता वेदांता जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ में बिलीव करता है। तो इनका ऐसा कहना है कि हम जो है वो जो एग्जिस्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट होने के लिए, हमें यहाँ रहने के लिए किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि अद्वैता वेदांता आइडियलिस्ट है। ठीक है, इसीलिए वो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर को डिनाई नहीं करते। जैसे कि अद्वैता वेदांता मटेरियल सब्सटेंस में बिलीव नहीं करते, वो रिजेक्ट करते हैं मटेरियल सब्सटेंस को। उनका बस कहना है कि सिर्फ हमारा सेल्फ जो है, सिर्फ हम है, वही एग्जिस्ट करता है, कोई मटेरियल सब्सटेंस की हमें जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने। ठीक है, और एक सेकेंड पॉइंट इसका याद रखना है आपको कि अद्वैता वेदांता में ब्रह्मांड इज द वन एंड ओनली रियलिटी, ठीक है, विच वी अंडरस्टैंड एज सोल। तो इनका ऐसा कहना है, अद्वैता वेदांता ये मानते हैं कि हमारा जो सोल है वो ब्रह्मांड है, वही खुद ब्रह्मांड है। तो हमारा जो सोल है वो किसी चीज से खत्म नहीं हो सकता, वो इटर्नल है, वो हमेशा चलता रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। इट इज, तो यहाँ जो वर्ड्स यूज किए हैं वो है कि जस्ट लाइक ब्रह्मांड आई एम विदाउट एट्रीब्यूट्स, फॉर्मलेस, इटर्नल, इंडेस्ट्रक्टिबल, नॉन मूविंग एंड नेवर चेंजिंग। इसका यही मतलब है कि कभी बदल नहीं सकता या कभी खत्म नहीं हो। ठीक है, दैट इज ब्रह्मांड। तो अद्वैता वेदांता का हु एम आई या व्हाट एम आई के लिए जो जवाब है, दैट इज दैट द सोल इज ब्रह्मांड इटसेल्फ। तो अद्वैता वेदांता ये कहते हैं कि जब हम खुद के बारे में नॉलेज लेते हैं तब हम ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज लेते, हमें जो भी एक्सपीरियंस आते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो प्योर सोल के लिए। हम एक दूसरे से अलग सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी की वजह से, बाकी हमारा जो सोल है वो एक ही है, दैट इज ब्रह्मांड, जो कभी खत्म नहीं है।